बालकों ने रायगढ़ जिला स्थित अपने तराईमार कोल ब्लॉक क्षेत्र के धर्मजयगढ़ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की। धर्मजयगढ़ के विकास में उद्योगों की भूमिका विषय पर लगभग 15 छात्राओं के विचारों को सुनने स्कूल के सभागार में लगभग 200 छात्राएं मौजूद थीं। धर्मजयगढ़ में बालको आयोजित स्पर्धा का उद्घाटन कर स्कूल के प्राचार्य श्री वी के सिंह ने कहा कि छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से बालको ने प्रतियोगिता के माध्यम से बेहतरीन मंच प्रदान किया। श्री सिंह ने बेहतरीन आयोजन के लिए बालको प्रबंधन की सराहना की। हमको जब बोलने का मंच मिलता है उसे पहली बात तो झिझक मिटती है, एक विचार अपने मन में अपने मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता है और उस विचार की प्रस्तुति हम लोगों के बीच करते हैं, तो एक विषय तय हो गया, विषय एक निश्चित हो गया। इस विषय पे आपने विचार किया होगा, मनन किया होगा, कहीं कुछ पढ़ा लिखा होगा, किसी और से चर्चा की होगी, अब उन बातों को आपको सबके बीच रखना है। बालको के कंपनी संवाद प्रबंधक श्री प्राणनाथ मिश्रा ने बताया कि बालको प्रबंधन ने अपने कोल ब्लॉक क्षेत्र में विकास के अनेक कार्यक्रम संचालित किए हैं। जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नागरिकों की सुविधा के लिए आधारभूत संरचनाओं की स्थापना की जा रही है। अपनी कल्पना के हिसाब से जो भी उचित समझते हो कि धर्मजयगढ़ के विकास में जो यहाँ पर उद्योग आसपास में है या जो आने वाले उद्योग होंगे उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए या वो किस तरह से योगदान कर सकते हैं धर्मजयगढ़ के विकास में, इन्हीं विषयों पर आज यहाँ पर स्पर्धा में कक्षा 9वीं से 12वीं स्तर की छात्राओं ने क्षेत्रीय विकास के उद्योगों के महत्व को रेखांकित किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के शिक्षक श्री विजय प्रसाद गभेल, श्री एनपी ओगरे और सुश्री रमा षडंगी प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शामिल थी। श्री सिंह और श्री मिश्रा ने विजेता छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। मनीषा बाई ने प्रथम, संगीता खेस ने द्वितीय और करिश्मा खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। श्री सिंह और निर्णायक मंडल के शिक्षकों को बालकों की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।